हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू द ब्रोकन रिव्यूज़। और आज हम बात करने वाले हैं दोबारा के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। अब दोबारा मूवी सुनने में आया कि स्पेन की मूवी मिराज से कॉपी की गई है, जो कि ट्रेलर में तो अच्छी लग रही है, पर जो भी उसकी सिनेमाटोग्राफी वगैरह है तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा हॉलीवुड वाला ही फील आ रहा है मूवी में। ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बहुत स्टोरी लाइन तो समझ में आ रही है कि कुछ हॉरर और टेरिफाइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने मिराज मूवी देखी है वो तो जानते हैं कैसी है। मैंने नहीं देखी, मैं पर्सनली बताऊँ तो अब ना मैं देखना चाहता, क्योंकि बेटर है कि हमें अपनी बॉलीवुड की मूवी देखे। और ज़्यादा अच्छा ये है कि अनुराग कश्यप है इस मूवी में। और मुझे दूसरी बात सबसे अच्छी लगी, राहुल भट्ट है। राहुल भट्ट जो आप लोगों ने अगली मूवी में देखे होंगे, कुछ फेसेज ऐसे होते हैं जो काफ़ी फोटोजेनिक टाइप होते हैं, मतलब अपने आप ही स्क्रीन का या मेरे ख्याल से ऑडियंस का ध्यान उधर जाता है। तो ऐसे एक्टर एक राहुल भट्ट जो अगली मूवी के हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे उन्हें देख के अच्छा लगा ट्रेलर में। मतलब ऐसे फेस के लोग, उनकी एक्टिंग भी थोड़ी इंटेंस लगती है, तो ये मुझे देख के अच्छा लगा। बाकी तापसी पन्नू ने भी उसमें काफ़ी मेहनत कर रखी है लग रहा है। और ओवरऑल ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन अगर जिसने भी ये मूवी देखी हो तो वो कमेंट में बताया प्लीज़ की मूवी कैसी है और कितने बड़े स्केल की है। बाकी अनुराग कश्यप की मूवी काफ़ी दिनों बाद आ रही है, तो थोड़ा थ्रिल तो है। मतलब है कि हाँ, ये लास्ट कुछ ट्रेलर वगैरह इतनी कुछ हो भी नहीं आई थी, मैंने देख के लगे कि थोड़ा एक्साइटेड है, लेकिन ये ट्रेलर लगा कि इसमें कुछ मतलब कमाल की चीज़ होगी। और तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की जोड़ी तो कमाल की है ही, काफ़ी न्यूज़ वगैरह भी चलती रही है। और अनुराग कश्यप ने उनका सपोर्ट भी किया है काफ़ी, जब कंगना और तापसी पन्नू की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। और इसमें एक एक्टर और है जो थप्पड़ मूवी में उसके साथ थे, तापसी पन्नू के कोस्टार थे। ओवरऑल ये देख के अच्छा लगा। बाकी जो इसके सिनेमाटोग्राफर है, उन्होंने सेक्रेड गेम्स और लस्ट स्टोरीज वगैरह इनकी सिनेमाटोग्राफी भी की है, तो ये भी अच्छी बात है इस मूवी के लिए। कुछ कमेंट्स हैं जो लोगों ने कर रखे हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी मूवी देखते हैं, मूवी 19 तारीख को आएगी 19 तारीख को। तो जो भी हो या आपकी कोई क्वेरीज हो वगैरह हो, कमेंट करें। और ये मेरे एफर्ट है यार, आप मूवी पूरी तो प्लीज़ सपोर्ट करें और ऐसे मुझे गाइड करें कि कैसे मैं अपने चैनल को ग्रो करूँ। थैंक यू। और अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा प्लीज़ और किसी से मत लगाइए, आप मतलब स्टार्ट करिए। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।